वालेकुम। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि मौसम भी साथ चल रहा है और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया कि आज मैं कौन सी रेसिपी की बात कर रही हूँ, तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में मज़ेदार सा खगीना। बिल्कुल ईजी रेसिपी है और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिल्कुल मगज जैसे स्टाइल में हम इसको बनाएंगे, तो आप इसी रेसिपी को इसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत मज़ेदार से हमारे अंडे का खगीना बन जाएगा। और आज अगर मैं आपको बता चलूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, दिखाते चलूँ। दो अदद हमें अंडे का खगीना बनाना है, उसके लिए हमने चार अदद हरी मिर्चें भी कटिंग करी हैं और यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको चौक हुआ हुआ अदरक लहसुन, बिल्कुल बारीक चौक हुआ हुआ है। यहाँ चकोर स्टाइल में हमने एक अदर टमाटर भी कटिंग किया हुआ है और यहाँ हमने तीन दरमियानी प्याज लिए। प्याज भी हमारी चकोर स्टाइल में होनी चाहिए, तो कटिंग बिल्कुल बारीक बारीक सी होनी चाहिए खगीना की और बिल्कुल मगज जैसे स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है आज की। यहाँ फ्राई पैन में हमने ऑयल ले लिया है। अच्छा, ऑयल अपने हिसाब से आप ले सकती हैं जैसा आप चाहें, तो मैंने बाल आधा कप ऑयल का लिया है। अभी ऑयल गर्म हो रहा है हमारा, तो यहाँ भी हम ले लेंगे अपने गर्म ऑयल में प्याज। ये ले लिया हमने तमाम कटी प्याज। जो मैं आपको दिखा रही हूँ चेक करते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे प्याज हमारी अच्छा, इतनी ज़्यादा ब्राउन हमें प्याज नहीं करनी है अभी, और थोड़ी सी और हो जाए उसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। सेकेंड तो ये चेक करते हैं हम। अच्छा, अब हमारी प्याज ऐसी हो गई है कि हमें इसमें टमाटर भी ऐड कर देना है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इसकी खुशबू तमाम इसकी बुनाई में अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल बारीक चौक हुआ हुआ ये भी आप देख लें। उसके बाद अभी हमें हरी मिर्च नहीं लेनी, हरी मिर्च का टेस्ट हमें रोक के रखना है। यहाँ हम कुटी मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकती हैं जैसा आपको अच्छी लगे, और यहाँ हम हसबे जायका नमक ले रहे हैं। तमाम मसालों को मिक्स करके कुछ देर के लिए हमें
एक सेकंड दो सेकंड के लिए इंतज़ार कर लेना है ताकि हमारे टमाटर प्याज अच्छे से भुन चुके करते हैं। अब ये तमाम चीज़ों की रंगत आप देख रहे होंगे बिल्कुल चेंज हो चुकी है और कितने मज़ेदार सा इसमें। अब हमारी रह गई थी हरी मिर्च जो हम वो भी ऐड कर देंगे। अच्छा हरी मिर्चों को हमने इसीलिए रोक के रखा था। और यहाँ ये अंडे ये भी हम अभी ऐड कर देंगे हरी मिर्च के साथ। ये देखिए इतनी मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी। आप इसी तरह सा खगीना बनाया करें, बहुत मज़ेदार सा बनता है, आपके बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। अच्छा मैं चाहती तो अंडे को फेंट कर भी डाल सकती थी लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, क्यों कि अंडा हमें बिल्कुल हमारा इस तरह से नज़र आएगा और अच्छा भी लगेगा। ये देखिए लग रहा है ना मगज, बिल्कुल मगज स्टाइल में कितना ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है इसका। कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे ताकि इसमें से जो अंडे की ईक वगैरह वो ख़त्म हो जाए। अच्छा यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, हमने गरम मसाला साबुन नहीं लिया था, ये हमने गरम मसाला पाउडर इसमें ये भी ऐड कर रहे हैं। का खगीना हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक नई नई दुआओं के साथ, नई अच्छी अच्छी बातों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।